नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एलआईसी के एक नए प्लान बचत प्लस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका टेबल नंबर है 861। यह 15 मार्च 2021 को लॉन्च हो रहा है और 6 महीने तक ही उपलब्ध है और आप इसे 10 सितंबर 2021 के बाद नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, अक्सर एलआईसी के द्वारा मार्च महीने में फायदेमंद प्लान लॉन्च किए जाते हैं, तो इस बार भी एलआईसी इस प्लान को 15 मार्च को लॉन्च कर रही है, जिसमें आप एफडी की तरह सिंगल प्रीमियम में केवल एक बार प्रीमियम देकर भी इस प्लान को ले सकते हैं या फिर रेगुलर प्रीमियम में केवल 5 साल तक प्रीमियम देकर भी आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, नाम को देखकर कुछ लोगों को लग रहा हो कि यह एक यूलिप प्लान है, तो यह बताना चाहूंगा कि यह एक नॉन लिंक्ड क्लोज एंडेड प्लान है। आइए इसकी पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों, एलआईसी का बचत प्लस टेबल नंबर 861 हमारे पास 15 मार्च 2021 से लेकर 10 सितंबर 2021 तक उपलब्ध है। इसमें हमें प्रीमियम भरने की 2 ऑप्शन मिलती हैं, पहली सिंगल प्रीमियम और दूसरी लिमिटेड प्रीमियम। इनमें भी हमें आगे 2 ऑप्शन मिलती हैं रिस्क कवर को लेकर। इन ऑप्शन के बारे में हम आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम पहले केवल सिंगल प्रीमियम की बात करेंगे और बाद में रेगुलर प्रीमियम के रूप में लिमिटेड पेमेंट की बात करेंगे। तो सिंगल प्रीमियम में हमें इंश्योरेंस लेने के 2 ऑप्शन मिलते हैं, ए और बी। यदि आप ए ऑप्शन चुनते हैं तो आपको बेसिक सम शोर्ड का 10 गुना इंश्योरेंस मिलेगा और बी ऑप्शन में 1.25 गुना इंश्योरेंस आपको इसमें मिलेगा। दोनों ही ऑप्शन में कम से कम 90 दिन के बच्चे के लिए इस प्लान को लिया जा सकता है और अधिकतम उम्र ए ऑप्शन के लिए 44 साल है और बी ऑप्शन में 70 साल है। मिनिमम मेच्योरिटी दोनों ऑप्शन में 18 साल है, यानी बालिग होने पर ही मेच्योरिटी मिलेगी। 40 साल के व्यक्ति के लिए आप 10 से लेकर 25 साल तक का कोई भी टर्म चुन सकते हैं और 41 साल से लेकर 44 साल तक के व्यक्ति को ए ऑप्शन में केवल 10 से 16 तक ही टर्म मिलेगी, जबकि बी ऑप्शन में आप कोई भी टर्म 10 से 25 के बीच की ले सकते हैं। इसमें कम से कम आप 1 लाख का बेसिक सम शोर्ड ले सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में इसमें मेच्योरिटी पर आपको बेसिक सम शोर्ड और लॉयल्टी एडिशन जोड़कर दिया जाता है। इसमें लोन आपको 3 महीने के बाद ही मिल सकता है और सरेंडर कभी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू पहले वर्ष 75% और अगले वर्षों में ये 90%। अब इसके लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी आपको आगे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपको इंश्योरेंस टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना या बेसिक सम शोर्ड जो भी ज्यादा हो मिलता है। ऑप्शन 2 में बेसिक सम शोर्ड या टेबुलर प्रीमियम का 7 गुना जो भी ज्यादा हो वह मिलता है। लिमिटेड प्रीमियम के पहले ऑप्शन को कम से कम 90 दिन के बच्चे के लिए लिया जा सकता है और ऑप्शन 2 में कम से कम 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए इसे लिया जा सकता है और मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन 1 के लिए 60 वर्ष है और ऑप्शन 2 के लिए 65 वर्ष है। मैच्योरिटी बालिग होने पर ही मिलेगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 में 75 वर्ष है और ऑप्शन 2 में 80 वर्ष है। पॉलिसी टर्म दोनों ऑप्शन में 10 से 25 वर्ष के लिए लिया जा सकता है और दोनों ही ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म 5 वर्ष रहेगा, यानी कि 5 वर्ष तक आपने प्रीमियम देना है। और प्रीमियम मोड इसमें आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली नैच के जरिए 4 ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं, आप कोई भी इनमें से चुन सकते हैं। और मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी पर इसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड विद लॉयल्टी एडिशन मिलता है और लोन और सरेंडर वैल्यू इसमें आपको 2 वर्ष के बाद ही उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह थी इस प्लान की बचत प्लस की पूरी जानकारी। यदि आप अपने लिए इसका प्रीमियम जानना चाहते हैं तो आप अपनी उम्र,
कितने का इंश्योरेंस लेना है और ऑप्शन आप कौन से चुनना चाहते हैं, कमेंट करेंगे तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्लान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।